क्रेब साइकिल को लर्न करने की कुछ ट्रिक सीखने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हमारी ट्रिक है, ओ सिट्रिक एसिड इज ऑफकोर्स अ सिली स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल. मतलब सिट्रिक एसिड जो है वो ऑफकोर्सली एक सिली सा स्टूपिड सा फनी सा मॉलिक्यूल है मेरी तरह. सो उसे है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, सिट्रिक से है सिट्रिक एसिड, एसिड एकोनेटिक एसिड, इससे है आइसोसिट्रिक एसिड, ऑफकोर्स से है ऑक्सैलो सक्सेनिक एसिड, ए से है अल्फा कीटोग्यूटेरिक एसिड, सिली से है सक्सेनाइल कोएंजाइम, स्टूपिड से है सक्सेनिक एसिड, और फनी से है फ्यूमैरिक एसिड, एंड द लास्ट वन इज मॉलिक्यूल से है मैलिक एसिड. सो ये जो हमारी ट्रिक थी टू मेन पार्ट ऑफ क्रेब साइकिल को उसको लर्न करने के लिए, दैट इज ओ सिट्रिक एसिड इज ऑफ कोर्स अ सिली स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल. सो नेक्स्ट है हमारे क्रेब साइकिल के स्टेप्स. सो एज वी नो देर आर 10 मेजर स्टेप्स इन क्रेब साइकिल. सो उनको लर्न करने की ट्रिक है हमारी सी डी रोडॉड R-O-D-O-D, rod, rod, odd, rod, odd, poho. इसमें सारे अल्फ़ाबेट्स अलग होंगे जैसे C और D, बस इसमें O D जो है वो इकट्ठा होगा. So, as I told you, C D, rod, odd, poho. So, C से है हमारा first condensation, that is addition of H2O. नंबर टू इज़ डिहाइड्रेशन. जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, हाइड्रेशन मतलब पानी और डी मतलब रिमूवल. सो रिमूवल ऑफ H2O, रिहाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ H2O. ऑक्सीडेशन में NAD से NADH2 बनेगा. डी कार्बोक्सिलेशन में जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन और डी मतलब रिमूवल. सो रिमूवल ऑफ CO2. सिक्स्थ है हमारा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. इसमें दो प्रोसेसेस होती हैं, एक हो रहा है ऑक्सीडेशन और एक हो रहा है डीकार्बोक्सिलेशन. ऑक्सीडेशन जैसे मैंने आपको बताया कि NAD से NADH2 बनेगा, और डीकार्बोक्सिलेशन में रिमूवल ऑफ CO2 हो जाएगी. नंबर सेवन है फॉस्फोराइलेशन. तो फॉस्फोराइलेशन में GDP से GTP बनता है. और एट है ऑक्सीडेशन, FAD से FADH2 बनता है. हाइड्रेशन में पानी की एडिशन हो जाएगी, और ऑक्सीडेशन में NAD से NADH2 बन जाएगा. क्रेब साइकिल में जितनी भी ऑक्सीडेशन है उन सब में NAD से NADH2 बना है, सिवाय लास्ट ऑक्सीडेशन, लास्ट सेकंड ऑक्सीडेशन को छोड़ के जिसमें FAD से FADH2 बना है. बाकी सारी ऑक्सीडेशन में NAD से NADH2 ही बना है. सो ये हमारी ट्रिक थी स्टेप्स को लर्न करने की, दैट इज सी डी रोडॉड पोहो. सो नेक्स्ट है हमारे एंजाइम्स ऑफ क्रेब साइकिल. सो जो एंजाइम्स होते हैं क्रेब साइकिल के, वो सेम होते हैं जैसे उनका नाम होता है. जैसे कि यहाँ पे मैंने एंजाइम्स लिख रखे हैं ये सब के सब. सो एज यू कैन सी दैट इज सिट्रिक एसिड इज ऑफकोर्स अ सिली स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल. सो आप देख सकते हैं कि सिट्रिक एसिड, एकोनिटेज, आइसोसिट्रेज, मतलब वो सो जो थे मॉलिक्यूल्स उनके नाम सेम है, जस्ट ये जो लास्ट का पोर्शन है ये अलग है. सो इसको हम कैसे लर्न करेंगे? सो इसके लिए हमें ये, इसके लिए मैंने ये ट्रिक बनाई है, दैट इज फोर कंपाउंड्स है, एज, डिहाइड्रोजनेज, डीकार्बोक्सिलेज एंड थायोकाइनेज. तो एज किस में लगेगा? एक सिट्रिक एसिड फनी, सिट्रिक एसिड फनी मतलब सिट्रिक एसिड फनी है. तो इसमें तीन कंपाउंड में एज लगेगा, दैट इज सिट्रिक एसिड मतलब एकोनेटिक, और फनी मतलब फ्यूमरिक. सो यू कैन सी हेयर सिट्रिक सिंथेटेज एज लगा हुआ है. नंबर टू बताया मैंने कि एसिड, तो एकोनेटेज लगा हुआ है, और फ्यूमरेज एज लगा हुआ है. नंबर टू है डिहाइड्रोजनेज. तो डिहाइड्रोजनेज में मैंने बनाया है इज़ अ टू स्टूपिड मॉलिक्यूल, इज़ अ टू स्टूपिड. जैसे मैंने आपको बताई थी ट्रिक, तो वही यहाँ पे अप्लाई होगी. मैंने यहाँ पे टू स्टूपिड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि देर आर टू सक्सीनेट, सो वो सेकेंड वाले सक्सीनेट में लगेगा. सो इससे है आइसोसिट ट्रिक डिहाइड्रोजनेज, यू कैन सी डिहाइड्रोजनेज लगा हुआ है. ए से है अल्फा कीटो ग्लूटरेट, डिहाइड्रोजनेज लगा हुआ है. स्टूपिड से है नंबर टू मैंने बताया तो सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज लगा हुआ है, और मॉलिक्यूल है मैलेट, तो डिहाइड्रोजनेज देयर ही गो. नंबर थर्ड है डीकार्बोक्सिलेज. तो डीकार्बोक्सिलेशन एक ही में लगेगा, दैट इज ऑफकोर्स दैट इज ऑक्सैलो सक्सीनेट डीकार्बोक्सिलेज. नंबर फोर्थ इज थायोकाइनेज. तो थायोकाइनेज सिली वन में लगेगा, मतलब सक्सीनेट वन में, दैट इज सक्सीनेट थायोकाइनेज. सो ये हमारी ट्रिक थी एंजाइम्स को लर्न करने की. यू जस्ट हैव टू लर्न दोज फोर थिंग्स एंड वो लाइन्स याद करनी, जैसे सिट्रिक एसिड फनी है, इज अ टू स्टूपिड मॉलिक्यूल है, ऑफकोर्स है, और सिली है. नेक्स्ट है हमारा कि कैसी ये चीज़ें क्रेब साइकिल में अप्लाई हुई हैं. सो ये है हमारी क्रेब साइकिल. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे
first trick, say, that is naming trick. O citric acid is of course a silly, stupid, funny molecules. So second tha hamara steps. So number one, hum steps oxaloacetic acid ke baad shuru karenge. To yahan se hamara tha CD. To pehle tha condensation, matlab addition of H2O hui thi. Number two tha dehydration, matlab dehydration matlab removal of H2O hogi. Fir tha rehydration, addition hogi. Fir tha hamara oxidation, that is NAD से NADH2 बन गया. फिर थी हमारी decarboxylation, मतलब remove हो गया H2O, sorry CO2, और उसके बाद था हमारा oxidative decarboxylase, मतलब oxidation हुई है, NAD से NADH2 बनेगा, और decarboxylation भी हुई है, मतलब CO2 remove हो जाएगा. फिर था हमारा phosphorylation, जिसमें GTP से GTP बना था. फिर था oxidation, FAD से FADH2 बना था, और फिर था हाइड्रेशन, मतलब पानी की एडिशन होगी, और लास्ट वन था हमारा ऑक्सीडेशन, जिसमें NAD से NADH2 बना था. सो ये है हमारी क्रेब साइकिल. अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 4 कार्बन है, 6 कार्बन है, क्यों, कैसे. सो आप ऐसे देख सकते हैं, आप देख सकते हो, मतलब सॉरी. सो ऑक्सैलोएसिटिक जो है वो 4 कार्बन है, तो जब पाइरूविक एसिड और एसिटाइल का जब वो चेंज हुआ, तो 2C वहाँ से आकर इसने 6 कार्बन बना दिया. 6 कार्बन था यहाँ पे भी, 6 था यहाँ पे भी, 6 था यहाँ पे भी, 6 था यहाँ पे, 5C हो गया क्योंकि यहाँ पे रिमूवल ऑफ CO2 हो गई, मतलब कार्बन रिमूव हो गया एक, तो यहाँ पे 5C रह गया 6C से. फिर दोबारा यहाँ पे CO2 रिमूव हुआ है, तो इस कारण से यहाँ पे 4C रह गया, फिर वो 4C ही रहेगा. सो इट्स ऑल अबाउट क्रेब साइकिल. और अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में ट्रिक्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी बनाने की. और दैट्स ऑल फॉर नाउ, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय.